हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, 12th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आपको पहले भी मैंने बताया था, जुलाई मंथ का जो टारगेट है उसमें चार चैप्टर होंगे और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर्स को डिस्कस किए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है, क्योंकि 100% एनसीईआरटी आपकी कवर करा दी जाएगी, यहाँ पर सेशन को पूरा आपको देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है, 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए फिर भी 0.00001% आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको जवाब मिल जाएगा, आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स छोटा सा चैप्टर है, इजी है, आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। इस चैप्टर की बात करेंगे तो आपको सिंपल सा पता है रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था कि बायो को कंप्लीट अपन रिलेट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, जो भी चैप्टर से जो भी टॉपिक है। तो अपन ने जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर डिस्कस किया था, वहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस डिस्कस किए थे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर्स है वो अपन ने देखे थे, कुछ टोटल 5 पॉइंट्स आए थे, जिसमें ग्रोथ फर्स्ट था और सेकेंड ही था रिप्रोडक्शन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन ने देखे थे। रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करना। अभी जो डेफिनेशन है वो बाद में देखेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अभी सिंपल सा है कि अपने नंबर इंक्रीज करना है वो रिप्रोडक्शन है। और ऑर्गेनिज्म की अपन ने बात की, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी के सेंस में बोला जा रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज अपन रिप्रोडक्शन को नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक्सेप्शन है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन ने, इनफर्टाइल ह्यूमन, म्यूल, ठीक है, और बीज की अपन ने बात की थी, जिसमें से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्शन था, इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में नहीं लिया। आ रही बात समझ में? तो रिप्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो नहीं है। क्लियर है? ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में अपन चले, उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन अपन कर लेते हैं। पहला आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या, क्योंकि रिप्रोडक्शन उसी का ही एक स्टेप है, इसीलिए बाद में उसे डिस्कस करते हैं। लाइफ स्पैन क्या है, सिंपल सा। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा बर्थ हो गया तो कभी भी मेरी डेथ हो जाएगी, नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कभी भगवान मुझे वापस बुला लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा कोई ना कोई डेथ है, नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड है मेरा, तो बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे ही अपन क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। बर्थ टू नेचुरल डेथ, जैसे होमो सेपियंस की बात करें तो अलग अलग बुक में वैसे अलग अलग मिलेगा, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो 80 to 100 ईयर्स माना गया है जो नेचुरल डेथ है वो। लेकिन नेचुरल नहीं, एक्सीडेंट हो गया, 30 की एज में ही एक्सीडेंट हो गया और वो डेथ उसकी हो, तो वो नहीं माना जाएगा उसका लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन की जो अपन बात कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मीनिंग है बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, आ रही बात समझ? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। ये पॉइंट आपका क्लियर यहां से हो जाना चाहिए। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कुछ मिनट्स हो सकता है, कुछ का 100 ईयर्स में हो सकता है, कुछ का थाउजेंड्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे, सो लाइफ स्पैन की जो टोटल स्टेजेस हैं, टोटल 4 स्टेज हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है जुवेनाइलिटी, देन उसके बाद में आता है मैच्योरिटी, देन एजिंग, और सबसे लास्ट में आता है डेथ। क्लियर है? ये अपने पास क्या टोटल 4 स्टेजेस बताया जाए। सबसे पहले जुवेनिलिटी आपको बताया जाए,
इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो डेवलप करता है ऑर्गेनिज्म डेवलप्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। हमारी बात समझ, रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्वेनेटिक के ड्यूरेशन में ही वहां पर वो डेवलप कर पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करेंगे होमो सेपियंस की, अपने ही अपन बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, तो मेल और फीमेल में लगभग अपन देखें तो 14 to 15 ईयर्स, वैसे 13 14 भी अपन इसे कह सकते हैं, उस तक वो क्या हो जाता है उसकी ज्वेनेलिटी जो कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, जो ओजेनेसिस से या स्पर्मेटोजेनेसिस से, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जिसे अपन कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद में वो अपने से सिमिलर जो भी ऑर्गेनिज्म उसका फॉर्मेशन कर सकता है उसे ही अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो ज्वेनेलिटी का पीरियड, इससे पहले अपन देखेंगे 10 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, उसमें अपन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वो ज्वेनेलिटी फेज है, अभी अपन रिप्रोडक्शन करने की ओर अपन जा डेवलप हो रहे हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह या हॉर्मोन्स वगैरह सारा सब कुछ। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो कौन सी, ज्वेनेलिटी। दूसरे की बात करेंगे मैच्योरिटी, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बिगिंस, रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग इस ड्यूरेशन में हो जाती है मैच्योरिटी में। जैसे अपन बात करेंगे 14 15, मैंने आपको बताया इसमें रिप्रोडक्शन अपन कर सकते हो, कहां तक चलेगा, लगभग ऑन एन एवरेज 50 ईयर्स तक होता है फीमेल में, जबकि मेल में नहीं होता। अपनी बात करें, बाकी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो जो है वो मैच्योरिटी, अब रिप्रोडक्शन अपन कर सकते हैं 13 14 और 15 ईयर की एज में, तो ये आपके पास सेकेंड मैच्योरिटी हो जाएगा। एजिंग की बात करेंगे, और सेनेसेंस भी से अपन यहां पर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव डीजनरेशन। डीजनरेशन ऑफ सेल टिश्यू और बॉडी, आदि बस इसमें क्या होगा, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल हो रहे हैं, वापस से रिवर्स नहीं हो सकते। अब जैसे फीमेल की बात करें ह्यूमंस में, तो वहां पर 50 ईयर्स के बाद में मेंसुरल साइकिल नहीं होता, तो वो उसके बाद में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद में वो एजिंग की ओर जा रहा है, सेल टिश्यू वो अपनी जो एक्टिविटी है, जैसे मेटाबॉलिज्म की बात करें वो उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, स्लो हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो वो एजिंग की प्रोसेस में वो आएगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है वो क्या हो जाती है, डेथ तो हो ही जाती है, परमानेंट यहाँ पर किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, परमानेंट किस्सा ही यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और वहां पर सिंपल सी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो उससे पहले उसने क्या किया, उससे पहले उसने ये जो आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर अपने से सिमिलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्मेशन वो कर लेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पर, एक साइज का पॉइंट आता है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, क्या जो साइज है ऑर्गेनिज्म का उसका लाइफ स्पैन से कोई रिलेशन है या नहीं। अरे बस सुनिए, पहले वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करें, लाइफ स्पैन और जो साइज है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उनमें रिलेशन, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, रिलेशन बिटवीन लाइफ स्पैन एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा समझा दूंगा मैं आप, तो यहां जो साइज और लाइफ स्पैन की जो अपन बात कर रहे हैं उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। बोले ये कैसे आप कह रहे हो, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, एक तो अपने पास है पैरट और दूसरा अपने पास ले लो क्रो, काला कौवा काट खाएगा। ये दोनों अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग इनका साइज क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर इन साइज। लेकिन अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो जो क्रो है, जो कौवा है, उसका लाइफ स्पैन लगभग होता है 15 ईयर्स, और जो पैरेट है उसका 140 to 150 ईयर्स तक हो सकता है, मतलब जो अपना लाइफ स्पैन है उससे भी ज्यादा। ठीक है, अपन उससे बड़े हैं लेकिन लाइफ स्पैन कम है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो अलग अलग स्पीशीज हो गए, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो गए। लेकिन अब अगर सिमिलर साइज के अपन देखेंगे, जैसे पैरट हुआ या क्रो हुआ, वो सिमिलर साइज के, लेकिन फिर भी उनका लाइफ स्पान क्या है, बहुत वेरी यहाँ पर करना है। तो साइज
और जो लाइफ स्पान है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। सारी बात सुनिए, उनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता, ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। तो पैरेट का लाइफ स्पान आपने कितना बताया, लगभग 140 ईयर्स, और क्रो का आपने कितना बताया, लगभग 15 ईयर्स। क्लियर है, इनको आप नोट करते हुए चलेंगे। दूसरे बात करेंगे तो जो बेम्बो ट्री है, ठीक है, उसका जो लाइफ स्पान है वो अलग होता है। पीपल का जो ट्री है उसका लाइफ स्पान अलग होता है, वो अपन ने एनिमल्स की बात की, दूसरे में प्लांट्स की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। मैंगो की बात कर ले अपन, मैंगो ट्री की, पीपल के ट्री की बात कर लेते हैं, तो इनका लगभग जो साइज है वो क्या है, सिमिलर है, लेकिन फिर भी इनका जो लाइफ स्पैन होगा वो क्या है भाई साहब, अलग अलग होगा। बेम्बो जो है वो काफी, ये 100 ईयर्स में, ठीक है, अभी सबके लाइफ स्पैन डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दे रखे हैं, कुछ के बता रहे हैं, के नहीं बता, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो जो लाइफ स्पैन है वो मैं आपको यहां से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, काम अपना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बटरफ्लाई, आप इनको नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ के दे रखे और कुछ के नहीं दे रखे। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पान है वो 1 to 2 वीक्स लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में आप फ्रूट फ्लाई देखिए, तो फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पान लगभग 2 to 4 वीक्स। देन उसके बाद में राइस प्लांट, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं समझाने वाला, केवल आपको ध्यान में रखना है, लगभग 4 to 5 मंथ्स होता है। वीट सेम 4 to 5 मंथ्स। रोज छोटा सा होता है लेकिन फिर भी लाइफ स्पान 10 ईयर्स, तो की अपन ने बात कर ही ली है पहले ही, 15 ईयर्स के लगभग इनका लाइफ स्पान होता है। बनाना ट्री की अगर अपन बात करें तो इसका लाइफ स्पान लगभग 25 ईयर्स। काऊ की बात करते हैं तो 25 ईयर्स। डॉग सेम 25 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स 50 to 60 ईयर्स। एलिफेंट बहुत बड़ा है अपने आप में मेमल, लेकिन फिर भी 60 to 70 ईयर्स ही इनका लाइफ स्पान है। टॉर्टोइस की बात करें तो 100 to 150 ईयर्स। और बेनियन ट्री की अगर अपन बात करेंगे तो ये लगभग 200 to 300 ईयर्स। ये आपके कुछ ऑर्गेनिज्म जो बताए जा रहे हैं उनके क्या है, लाइफ स्पान, इनको ध्यान में रखना है। कभी भी नेट वाले जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच विद ऑर्गेनिज्म एंड द लाइफ स्पान, पूछ सकता है ऐसा। ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ आपको दे रखा है कुछ नहीं दे रखा है, काम आपका आसान यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है सिंपल सा, क्या सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, ठीक है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, ठीक है। लाइफ स्पान चाहे कुछ भी हो, डेथ जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, मस्ट है। अगर नहीं होगी डेथ तो फिर ये सिस्टम ही नहीं चलेगा, ठीक है। डेथ मस्ट है, लेकिन आपके पास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अपन कह सकते हैं कि वो इमोर्टल है, वो अमर है, ऐसा क्यों, इसको आप लोग समझेंगे। नो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म और नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं,
बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ फिक्स है, लेकिन इसका एक्सेप्शन आप बता रहे हो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्यूलर की बात है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे मान लो ये आपके पास एक सिंगल है, सिंगल सेल, अब इसमें चाहे तो इस टाइप से अभी अलग अलग मोड अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन को, ठीक है, एसेक्सुअल सेक्सुअल में। तो यहाँ वन ये सिंगल सेल थी, यहां से कितनी सेल बन चुकी है, टू बन चुकी। नंबर ऑफ पेरेंट सेल इसके अंदर कितना, वन ही है। जैसे होमोसेपियन से आप समझेंगे तो यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, वहां से उनके जो भी प्रोजनी है वो बनती है। लेकिन यहाँ तो ये जो है ये केवल एक सिंगल सेल है, और इसी से क्या हो रहा है, इसमें आपके पास यहां पर हो रहा है सेल डिवीजन। क्या हो रहा है, सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन होने के बाद में वन टू टू सेल बन चुकी। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा, एसेक्सुअल। तो यहां जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है वो एक दूसरे से क्या है भाई साहब, वो सिमिलर है, पेरेंट और डॉटर, ये दोनों क्या है, मतलब तीनों क्या है, ये एक दूसरे से सिमिलर है। और इसी सिमिलरिटीज को बताने के लिए एक टर्म अपन यूज में लेते हैं क्लोन। सिमिलर किसमें, सिमिलर किसी भी टाइप से हो सकता है, मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जेनेटिक बेसिस पर, ठीक है, दिखने में, जीन में, सब कुछ सिमिलर होगा। और उसी सिमिलरिटी को बताने के लिए एक टर्म यूज में लेते हैं क्लोन, ठीक है, सब कुछ सेम, 101%, मतलब 100% सेम। तो सिमिलर है मतलब ये यहां से मरी या नहीं मरी वो बाद की बात है, लेकिन ये यहां से इसने क्या किया, एक से दो, वन टू टू सेल का फॉर्मेशन इसने कर लिया, टू प्रोजेनिस इसने दे दिया, तो मरी कहां, ये तो मरी नहीं। फिर ये आगे से क्या होगा, ये आगे चलकर और दे देगा दो, फिर ये दो दे देगा, अरे बस। तो ये मर नहीं रहे, इसी अपन कह रहे हैं, इसीलिए क्या, इसका एक्सेप्शन बोला इसने, अपन ने इनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, ये एक्सेप्शन है, ये इमोर्टल, ठीक है, ये क्या है, इमोर्टल है। आ गई बात समझ, ये भी आपको पॉइंट सिंपल सा ध्यान में रखना है भाई। लो अब रिप्रोडक्शन की बात करें, डेफिनेशन में आपको यहां से बता देता हूं, अगर इस रिप्रोडक्शन टर्म को अलग अलग आप देखेंगे तो री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, बार बार किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस अपन कर रहे थे, वो रिप्रोडक्शन है, सिंपल सा, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है, तो उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है, सो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। अरे डेफिनेशन समझ में, रिप्रोडक्शन क्या है, एक रिप्रोडक्शन, एक सेकंड के लिए रुकिएगा, रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद के सिमिलर ही प्रोजेनीज का फॉर्मेशन करे, ये सिंपल से डेफिनेशन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब रिप्रोडक्शन के पर्पस की बात करते हैं, तो कुछ एक दो पर्पस आपको ध्यान में रखना है, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई इसमें। तो पहला पर्पस ये है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मेरा लाइफ स्पैन 100 ईयर से, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा मैं, या मेरे जैसे जितने भी होमो सेपियंस हैं रिप्रोडक्शन नहीं कर, तो 100 ईयर्स के बाद में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सेम ऐसे सारी स्पीशीज के लिए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो, ठीक है। उसके बाद में वेरिएशन आएंगे अपने पास, रिप्रोडक्शन द सोर्स ऑफ वेरिएशन, जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह होगा, जो यूजफुल वेरिएशन है वो अपने पास आएगी, ठीक है, आगे की जो जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफर होगी वो। और सबसे लास्ट में लाइफ की बात कर रहे हैं, कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अपन लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते, लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आरी बात समझ, ये आपके पास सिंपल सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अपन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब जहां पर भी क्लासिफिकेशन होता है, जहां पर भी टाइप्स की बात करते हैं, कोई ना कोई बेसिस होता ही होता है, बिना बेसिस के अपन क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। सो यहां पर जो बेसिस है रिप्रोडक्शन का वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, और नंबर ऑफ पेरेंट्स भी अपन कह सकते हैं कि सिंगल पेरेंट्स है या टू पेरेंट्स है, उसके बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। वैसे देखें तो यहां पर ए का मतलब होता है एब्सेंस, क्या होता है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर, सेक्सुअल ऑर्गन्स, कुछ भी अपन कह सकते हैं सिंपल सा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा मैंने आपको पहले बताया सेल डिवीजन से ही क्या होगा रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल टाइप। आ रही बस, यहां पर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स क्या होगी एब्सेंस होगी, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होगी ही होगी। तो इसे अपन कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, एक ऑर्गेनिज्म था उसमें सेल डिवीजन हुआ और दो बन गए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने होंगे टू पेरेंट इन्वॉल्व यहां पर होंगे। आ रही बात, मेल अलग और फीमेल अलग, क्लियर है? तो ये अपने पास क्या दो टाइप के रिप्रोडक्शन है जिसे अपन आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मतलब आज के सेशन में अपन इतना ही कंप्लीट करेंगे। आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आया है, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, अगर डाउट रहता है आपको तो आपको पहले ही मैंने बताया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, 100% जवाब मिलेगा। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी चाहिए एनसीईआरटी हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी से MYDHARMEN इससे आप मुझे सर्च करेंगे, वहां पर आपके डाउट को डिस्कस किया जाएगा, सिर्फ डाउट को बाकी बातें नहीं होती, ठीक है ना? तो नेक्स्ट सेशन में अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको पढ़िए एनसीईआरटी पढ़िए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।